इटालियन फ्लेवर में बनी ये देसी सब्जी यानी कि स्टफ शिमला मिर्च, जब आप इसे बनाएंगे एज अ स्नैक तो किसी और को दिए बगैर आप अकेले के अकेले खुद ही पूरी खा जाएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे बनी है ये। हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। दोस्तों, मैं आज जो सब्जी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली वो सब्जी तो इंडियन ही है। जैसे कि हम लोग किसी भी बाहर की कोई सब्जी होती है या कुछ भी डिश होती है उसमें हम इंडियन तड़का लगा ही देते हैं, वैसे ही इंडिया में फेमस है, हम इंडियन रेसिपीज़ में, इंडियन डिशेस में भी हम बाहर के टेस्ट का तड़का लगा के उसको डिफरेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज स्टफ शिमला मिर्च को दिया है टेस्ट का तड़का इटालियन। यहाँ पर इंडिया और इटालियन का कॉम्बिनेशन हो गया है और मैंने स्टफ शिमला मिर्च को इसी कॉम्बो में बनाया है जो कि बहुत अलग और बहुत टेस्टी लगी। तो ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप भी इसे बनाएं और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तैयारी करते हैं इसकी स्टफिंग की, क्योंकि हमें जो है शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ने वाली है काफ़ी बाद में, जब हमारी स्टफिंग बनकर ठंडी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 छोटे चम्मच सरसों का तेल, ले सकते हैं आप या तिल का तेल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तिल का तेल लिया है जिसमें कि मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। इसको अच्छे से भून लें। अदरक मैंने 1 इंच के लगभग लिया है और दो से तीन हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च के तीखा होने पर भी उसकी क्वांटिटी निर्भर करती है। इनको अच्छे से तेल में भून जाने दें हल्का सा। उसके बाद हम ऐड करते हैं प्याज। प्याज हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ उसका कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि हमें बेसिकली इन सब्जियों का जो है बाइट चाहिए। अदरक और हरी मिर्च हमें अच्छे से भूनना होगा। तो प्याज हमें बेसिकली 1 ही मिनट पकाना है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा कलर आ गया है। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें 1 कसी हुई गाजर। प्याज भी मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी, यहाँ पर 1 कसी हुई मीडियम साइज गाजर ले रही हूँ मैं। उसको भी डालने के बाद हमें 1 मिनट ही इसमें चलाना है, क्योंकि कसी हुई है तो बहुत जल्दी ही ये हल्का सा कुक हो जाएगी। इसका भी हमें बस कच्चापन ही ख़त्म करना है, इसे हमें प्रॉपर कुक नहीं करना है। 1 मिनट इसे कुक करने के बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो, जिसके के लिए मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज। उनको मैंने अच्छे से उबाल कर मैश कर लिया है और ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम इन आलूओं को और इसके बाद इन्हें मिक्स कर देते हैं अच्छे से इसी सब्जी में, क्योंकि सब्जी मैंने बताया ही है बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है। तो कुल मिला के 2 मिनट हमें उस छौंक को भूनने में लगे। उसके बाद ये आलू अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए हैं। गैस हमें मीडियम टू लो की तरफ ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसमें अगर आप चाहे तो हल्के मिर्च का बनाना है तो देगी मिर्ची पाउडर भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नमक आप अपने स्वादानुसार डालें, क्योंकि इसमें हम बाद में चीज़ भी ऐड करने वाले हैं तो थोड़ा सा नमक इसका चीज़ का भी आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग हम इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो मसाले हैं वो हमारे प्रॉपरली मिक्स होने चाहिए इवनली, क्योंकि जब पूरी हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी उसके बाद हम उसे ठंडा करके ही यूज़ करेंगे। गर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गर्म में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अभी हम इसको स्टफिंग को पहले पूरा अच्छे से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट ही हमारी भुन चुकी है, 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारी स्टफिंग पूरी रेडी हो चुकी है। उसके बाद लास्ट में मैंने चीज़ डाल दिया है और गैस फ़िलहाल मैंने बंद कर दी है। ऊपर से डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा कलरफुल लुक भी दे देता है इसकी स्टफिंग को, इसलिए मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बंद गैस पर ही हमें इन्हें मिक्स करना होगा और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ठंडा हमें पूरा करना होगा, क्योंकि हम इसे उसके बाद ही स्टफ़ करेंगे। इधर हमारी जो स्टफिंग है वो ठंडी हो रही है, इतने हम जो कैप्सिकम है उसको रेडी कर लेते हैं। हम चाहे तो खड़े में भी इसे हाफ पीसेस में कट कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी बाउल शेप बना सकते हैं। इसमें मुझे बाउल शेप बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैं उसके लिए बाउल शेप यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले 2 पीसेस में कट करने के बाद नीचे का तो पोर्शन है वो तो हमारा एकदम क्लीन निकल ही आया है, ऊपर के पोर्शन में जो है हमारे थोड़ा बीज रहते ही है, तो उसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। पहले नाइफ़ की मदद से उन पीस उसको सारा हमने अच्छे से चारों तरफ से अलग कर लिया। उसके बाद एक स्पून की मदद से इस तरह से हम अंदर डाल के
पूरा का पूरा जो है हमारा बीच का काफी बड़ा पार्ट एक बार में निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसके पूरे बीच खाली कर लेने हैं। दोनों ही कैप्सिकम को इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अंदर से खाली करने के बाद बारी आती है इसे बाहर से भी क्लीन करने की। जो स्टेम वाला ये एरिया है इसकी स्टेम हमें थोड़ी सी हाथ से तोड़कर मैंने निकाल दी है, बाकी बिल्कुल सेफली हमें चाकू की मदद से निकाल देना है। जो बेसिकली जिस पार्ट को हम खाना पसंद नहीं करते, जिसे हम कूड़े वाला पार्ट समझते हैं, उसे ही हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इस पर होल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है हमारी पूरी स्टफिंग इधर से निकल जाएगी। तो बस हमें सिर्फ उतना ही पार्ट क्लीन करना है जो बेसिकली गंदा रहता है। तो बिल्कुल संभाल कर नाइफ की मदद से इस तरह से हमें ये पार्ट क्लीन कर लेना है। तो दोनों जो शिमला मिर्च है उनको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। स्टफिंग हमारी पूरी ठंडी हो चुकी है, तो अब हमें स्टफिंग को इसमें अच्छे से भरना होगा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी स्टफिंग ली है, और अच्छे से इसमें दबा दबा कर हाथ की हेल्प से हमें उसे भरना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो सारी की सारी स्टफिंग इसी तरह से मैं शिमला मिर्च में भर लेती हूँ। ये जो स्टफिंग बची है इसे हम पराठे में भी भर के खा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है ऐसे भी। इधर हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है, तो उस पर हल्का सा दो तीन बूंद ऑयल हमें ऊपर से डालना होगा, क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई में वो हमारी उतने अच्छे से नहीं सिक पाएगी। बहुत हल्का सा हमें सिर्फ इसको ऑयलिंग करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही कम ऑयल, ना के बराबर इसमें ऑयल हमारा लग रहा है जो छौक में गया वो, और ये बिल्कुल हल्का सा जो हमने ऑयलिंग के लिए लगाया है। इधर तंदूर को मैंने पहले ही 4 से 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने रख दिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा करके इसमें कैप्सिकम को रख दिया है। चारों पीसेस इस तरह से रखने के बाद हल्की सी हमें इसे बैक साइड से भी ग्रीसिंग करनी होगी, क्योंकि तंदूर में एकदम बहुत तेज़ हीट होती है, तो खाने को बिल्कुल एकदम ड्राई होने से बचाने के लिए और थोड़ा अच्छा सा कलर लाने के लिए, थोड़ा अच्छा सा सिकने के लिए हम बिल्कुल हल्की सी ऑयलिंग करते हैं। आप देखेंगे कि आधा चम्मच से भी कम ऑयल मैंने लिया था, और उससे ही मैंने चारों पीसेस की ऑयलिंग कर ली है। इधर मैंने ट्रे को तंदूर में सिकने के लिए डाल दिया है, और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट का इंतज़ार करने के बाद अब टाइम पूरा हुआ, अब इसे चेक करते हैं। और इसके लिए हम लेते हैं एक वुडन स्पैचुला, ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके। 5 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि शिमला मिर्च हमारी ऑलमोस्ट पूरी सिक चुकी है। तो इधर हम पलट देते हैं। पलटने के बाद आप नीचे से भी देखेंगे जो आलू वाला पोर्शन है वो भी हमारा कितना सुंदर कलर का हो चुका है, कितना बढ़िया सिक चुका है। तो इसे अच्छे से पलटने के बाद हम इसे फिर से पकने के लिए तंदूर में रख देते हैं। और यहाँ पर इसी स्टेज पर ही हमें इस पर चीज़ भी ऐड करना होगा, क्योंकि अब ये पूरी सिक चुकी है दोनों तरफ से। तो मैंने इसमें चीज़ डाल दिया है और ऊपर से ऑर्गेनो पाउडर डाल दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैंने इसको इटालियन फ्लेवर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमें इसमें से इसे बाहर निकाल लेना होगा। 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं अभी तंदूर ऑन ही था, मैंने इसे निकाल लिया है। चीज़ मेल्ट होकर पूरा चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है, और ऊपर सुंदर कितना कलर आया है चीज़ में भी आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी शिमला मिर्च बनी है। देखने में ही इतनी सुंदर है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। मैंने तो खा के देखी, मुझे तो लाजवाब लगी। मैं चाहूँगी कि आप ये रेसिपी अपने यहाँ भी ट्राई करें, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग है, कुछ इंक्वायरी है इस रेसिपी के रिगार्डिंग, या फिर आप कोई और नई रेसिपी जो कि वेजिटेरियन हो मुझसे तंदूर में बनवा के देखना चाहते हैं, तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट भी कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले किसी अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।